हमारे पास एक गवाह है, कुंदन सिंह। वो इस समय न्याय की हिरासत में। If this little drama is over, can we please get on with the case? John साहब, हमें साक्ष्य मिल गया है। Due to the lack of evidence and a witness. Sorry for interrupting, Your Honor. We have a witness. We have a witness. और फिर बैरिस्टर जॉन लैंग के ये कहने पर कि सबूत मौजूद है, नेल्सन पर तो जैसे बिजली सी गिर पड़ी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। एक महारानी का रास्ता रोकने का परिणाम जानते हो? परिणाम की चिंता मुझे नहीं, आपको है Your Excellency, क्योंकि डिसीजन हमारे फेवर में होगा और मैं भी देखूंगा कि वो कौन है जिसे आप अदालत लाना चाह रही है। जो भी होगा वो अदालत नहीं पहुंचेगा क्योंकि मैं समर सिंह और कामर को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला। तुम्हारे षड्यंत्र को इस बार हम नाकाम करके रहेंगे मिस्टर नेल्सन। आप स्वयं को इंटेलिजेंट समझते हैं ना? लेकिन इस बार आपके सामने नेल्सन खड़ा है, नेल्सन, और आपकी कोई भी टैक्टिक्स मेरे सामने नहीं चलने वाली। ए फिरंगी, हम कोई योजना नहीं बनाते, योजना तुम बनाते हो। हम केवल सच्चाई पर विश्वास करते हैं और सच को कोई नहीं रोक सकता। जैसे उगते सूरज को निकलने से कोई नहीं रोक सकता, उसी तरह हमारे गवाह को अदालत तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। नेल्सन, योर एक्सलेंसी, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। ये बात तुम पर लागू होती है नेल्सन। नो Your Excellency, no. Nelson foolproof plan बनाता है और आपका सितारा डूबने वाला है। देखिएगा, आपके उस गवाह को अदालत तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं। ये तो समय बताएगा नेल्सन कि सितारा किसका डूबेगा। इतने दिनों से आप कानपुर में, आपसे मिलने की इच्छा को रोक नहीं पाया थे। हम आपके समक्ष एक प्रस्ताव लेकर आए। कैसा प्रस्ताव? विवाह का प्रस्ताव। स्वस्ति इंद्रो वृद्धश्रवास, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरिष्टनेभिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये तो स्वप्न था। महारानी साहब, क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों है? बताइए ना महारानी साहब, क्या हुआ है? मैं अभी महाराज को नहीं, और तुम जाओ यहां से। वैसे भी
अब महाराज को बताने से क्या लाभ? उन्होंने तो हमें स्वयं ही त्याग दिया। तो बात पक्की समझे महाराज? अवश्य रामचंद्र जी, गंगाधर आपको वचन देता है। महाराज, हमें स्वीकार। हे बाल गोपाल, हमें शक्ति देखिए हम कि हम निभा ले जाएं अपनी झांसी से इस ब्रिटिश बटालियन को हटा सके। और महाराज को उनके दूसरे विवाह पर यही भेंट दे सके। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के प्रयासों के कारण समर सिंह और कर्मा का केस ब्रिटिश अदालत में पहुंचा है, और वो भी निस्वार्थ भावना से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने षड्यंत्र के तहत अपनी बटालियन झांसी में तैनात कर दी, जबकि झांसी की जनता उनके अत्याचारों के खिलाफ बिल्कुल चुप है, कोई विरोध नहीं कर रहा है। जबकि इसी बटालियन के तैनाती पर शांतिपूर्ण विरोध करने पर समर सिंह और कर्मा को ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनी जेल में डाल दिया। झांसी की जनता को चाहिए जो अपनी महारानी लक्ष्मीबाई के समर्थन में आगे आए और अपने निर्दोष साथियों को रिहा कराने की मांग करें। ये सही कह रहे हो भैया, ये बात तो सोलाना सच्ची लिखी है। तो क्या विचार हो भैया? हम सब के अपने महारानी का साथ देने के चाहिए। अरे फिर देखो क्या हो भैया, चलो अदालत, चलो चलो अदालत, चलो 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 अदालत, चलो। ये सब क्या है? महारानी साहब संबंध तय होने की खुशी में कानपुर से भेजा है। जाओ यहां से। संबंध संबंध तय भी हो गया। भाई साहब भूल जाइए ये सब। लक्ष्य, केवल अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखिए आप। हमें शीघ्र ही नहीं तातिक, हरी ग्रस्थियों चढ़ने जा रही, बर्बाद होने जा रही। भाई साहब इस प्रकार के क्षण कई स्त्रियों के जीवन में आते हैं और चले जाते हैं, किंतु आपका आपका विलक्षण व्यक्तित्व वो है जिस पर आने वाली सदियों तक हमारा हिंदुस्तान गर्व करेगा। ये सब क्या है? शगुन आया श्रीमान। शगुन? किसका शगुन? संबंध पक्का होने का शगुन है, महाराज ने संबंध पक्का कर लिया। हे देवा, महाराज ने संबंध तय कर लिया, मेरी मनु की भरी पूरी गृहस्थी कैसे बताएंगे मनु को अब? भाई साहब आप सोच क्या रही हैं? सब कुछ आप पर निर्भर है भाई साहब। चलिए हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।